हाय एवरीवन, मेरे चैनल देसी फूलपकंजी में आपका स्वागत है। आज आपके सामने मैं हिलसा या इलिश मांस, जो भी कि ये एक ही नाम है, वो बनाने जा रही हूँ। फाइव हंड्रेड ग्राम हिलसा ले ली हूँ। इसको मैं अच्छे से साफ करके, पूरे अच्छे से धो धा के अच्छे से साफ करके लाई हूँ। इस तरह से देखिए कितने क्लीन दिख रहे हैं। इसका कॉस्ट हमेशा ही ज़्यादा रहता है। हमेशा देखिएगा, इसको अगर थोड़ा सा कम वजन का है या 250 ग्राम का, उसका कम रेट होगा। अगर आधा किलो लेंगे तो आपको 700 से 800 के रुपये मिलेगा आपको। इस तरह से देखिए, मैं आधा किलो ली हूँ। इसको मैं अच्छे से साफ करके लाई हूँ और इसमें अब मैं नमक और हल्दी से ग्रीस कर लूँगी। इस तरह से देखिए, मैं एक चम्मच नमक डाल दी, उसी के साथ मैं हल्दी भी डाल दूंगी। देखिए, हाफ स्पून मैं टर्मरिक पाउडर डाल दी। इस तरह से अब मैगन होने के लिए करीब 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। इस तरह से देखिए, अगर इसका एक भी पीस खा लेंगे तो आपको ज्यादा फिश खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना टेस्ट लगता है इसमें, इतना तेल छोड़ता है कि आपको ये मैं भेपर से बनाऊंगी आज। इसमें कभी भी आपको फ्राई करने का जरूरत नहीं है। फ्राई कीजिएगा तो इसका टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। देख रहे, पीस कर देखिए कितना अच्छा टेस्ट दिख रहा। देखिए, अभी ये कभी भी भाप से ही बनता है मछली। अगर आपको, अगर सेलो फ्राई करके भी बना सकते हैं, मैं आज मगर फिर भी भेपर से बनाना बताऊंगी। देखिए, उसके लिए इंग्रेडिएंट चाहिए, इसमें मस्ट है, आप सरसों का तेल से ही बनाइएगा। इस तरह से देखिए, 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। इस तरह से देखिए, 20 ग्राम जैसा काला मस्टर्ड सीड्स। इस तरह से देखिए, 4 ग्रीन चिली। ये दो ही इंग्रेडिएंट से मैं आज बनाना बताऊंगी आपको, अब भेपर से बताऊंगी। इस तरह से देखिए, मेरा मैरिनेट करके 10-15 मिनट हो गया। मैं इसमें अब इस तरह से देखिए मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। इस तरह से आई ग्रीन चिल्ली जो मैं ली थी, उसको बीच से मैं चीरा कर लूंगी। अब इस तरह से देखिए, ग्रीन चिल्ली को जो है इस तरह से काट के डाल देंगे। बंगाली लोग तो इसे बहुत शौक से ही खाते हैं। इस तरह से देखिए, अब इसको मैं पानी में फुला के इसका पेस्ट बनाऊंगी। अब इस तरह से देखिए, इस तरह से मैं फाइन पेस्ट कर ली। अभी एक भी इसमें कोई भी मोटा अंक ना रहा, एकदम फाइन पेस्ट मिले, इसलिए मैं इसको इस तरह से देखिए, चाहे छन्नी लीजिए, इस तरह इसको डाल के एकदम फाइन पेस्ट निकाल दीजिए। इसको भी अच्छे से धो के पानी में, करीब 20 ग्राम सरसों आपको लग जाएगा इसमें। सिर्फ मैं ये देखिए, काला जो सरसों था उसी का मैं पेस्ट बनाई हूँ। इस तरह से जो भी आपको मोटा अंक रहेगा वो निकल जाएगा। इस तरह से तो फाइन पेस्ट कर लीजिए। देखिए कितना आपको ये जो है वो पार्ट्स को नहीं डालना है। तो ये अंश को मैं फेंक दूंगी। इस तरह से देखिए, जो आपको मैं जो मैं छन्ने से छान के रखी, उसी को मैं इस मछली में डालूंगी। पूरे अच्छे से मिलाना है, सिर्फ भाप से बनाना बताऊंगी मैं ये मछली। कभी भी भाप से ही ज़्यादा टेस्ट लगता बनाने से। इस तरह से सारे
मछली में अच्छे से कोट कर देंगे। इस तरह से जितना भी मस्टर्ड का पेस्ट रखी थी सारे इसमें डाल दिए। अब आपको जितना पानी का आवश्यकता है उसके अनुसार आप इसमें पानी डाल दीजिए। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा नहीं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ड्रिपर से बनने में। इस तरह से हो गया। मैं देखिए आज मैं आपको ओवन में बताऊंगी। इस तरह से देखिए ओवन में मैं आधा ओवन में डाल रही हूँ। डूबने भर में पानी डाल दी। करीब 100 ml जैसा पानी मेरे को लग गया इसमें। इसमें अब अपना पहले तो मैं थोड़ा कम नमक डाली थी, अब मैं अब टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ। इस तरह से सारे को मिला लेंगे। अब इस तरह से कोई टिफिन है उसमें भी अगर आप भात बना रहे हैं उसमें टिफिन में भर के इसको ढेपर से बना सकते हैं। इस तरह से इसको ढक दीजिए और जब भाप बनाते हैं उसमें ऐसे डाल दीजिए, आपको भेपर से भी बन जाएगा। पर मैं आज ओवन में बताऊंगी। मैं आज ओवन में आपको इलिश मांस बताना बताऊंगा। अब इस तरह से मेरा बजाज का ओवन है, आपका जो अगर घर में अवेलेबल हो उसके अनुसार आप टेम्परेचर सेट कर लीजिए। इस तरह से देखिए मेरा 6 में फिश लिखा हुआ है, इस तरह से 6 में कर देंगे। ये देखिए 6 में कर दी। अब जितना आधा किलो है तो आधा किलो के अनुसार वेट कर लेंगे। देखिए देखिए आधा किलो मैं कर ली। अब उसके बाद मैं खोल के अपना फिश डाल दूंगी। इस तरह से देखिए इसको बंद करके अब उसको ऑन कर देंगे। देखिए मेरा लगभग देखिए इसमें 7 मिनट 28 सेकंड हुआ। आपके आप इस तरह से अगर नहीं बना हो दोबारा भी आप टेम्परेचर सेट करके दोबारा कर लेंगे, पर इसमें लगभग 10 मिनट में आपका रेडी हो जाता है भेपर से। इस तरह से देखिए मेरा कैसे बन रहा है। इसका ऊपर में स्मेल ही आने लगेगा अगर आप पकने लगेगा उस समय ही। इस तरह से तुरंत आपका रेडी हो जाएगा। जैसे देखिए मेरा इलिश मांस बन के रेडी है। मैं भेपर से लगभग 10 से 15 मिनट में मेरा बन गया। देखिए इस तरह से देखिए कितना तेल छोड़ा। मैं 2 या 3 चम्मच ही सरसों का तेल डाली थी, पर देखिए इसका अब इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ किस तरह से बना। देखिए इस तरह से देखिए पूरा भेपर से ही सीज गया। देखिए देखने से ही डिलीशियस लग रहा है आपको। अब इस तरह से मेरा इलिश मांस बनकर रेडी हो गया। अब इसे चावल चपाती या जो भी आपके पास या पराठा हो उसके साथ आप सर्व कीजिए। इस तरह से सारा वीडियो मेरा देखते रहिए। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।